जिसे पैरों से कुचलते हो तुम, ऐ मकीनो है वो फुटपाथ बसेरा मेरा, है मकीनो है वो फुटपाथ बसेरा मेरा, है ऐ मकीनो है वो फुटपाथ बसेरा मेरा, और आपसे बात ट्रस्ट का अली अब्दुल्ला मीर, मैं पेशे से वकील हूँ और पिछले 35 साल से हजरत शेख मिस्त्री दरगाह चैरिटेबल ट्रस्ट का ट्रस्टी हूँ, चीफ ट्रस्टी हूँ यहाँ का। और ये दरगाह जो हजरत शेख मिस्त्री रहमतुल्लाह के है, ये करीबन 750 साल पुरानी है। ब्रिटिश गेजेटियर और आर्कोलॉजी सर्वे डिपार्टमेंट में अगर इसका आप देखें तो करीबन 350 साल से इस दरगाह के वजूद को गेजेटियर में, ब्रिटिश गेजेटियर में ये नमूद किया गया है। और ये ट्रस्ट और ये दरगाह 350 साल से अपने वजूद में यहाँ पर कायम है। दोस्तों, इस जगह को जो है ब्रिटिश गेजेटियर में वागडोला के नाम से जाना जाता था। वागडोला का मतलब शेर की आँखें, और शेर की आँख यहाँ पर हजरत के आस्थाने में यहाँ पर एक शेर आया करता था और इस खाड़ी और दरिया के पीछे से जो है लोगों को दिखाई देता था। इससे इस गवर्नमेंट गेजेटियर में ब्रिटिश ने इसको वागडोड़ा या लहान पैगंबरी के नाम से जो है इसको गेजेटेड किया हुआ। 350 साल से यहाँ पर जो है अहमदजी फैमिली, जो जिनका जो है ताल्लुक इस दरगाह के खादिमों से है, यहाँ के मुजाविर हैं, 350 साल से जो है इस दरगाह में दरगाह की खिदमत करते हैं। दोस्तों, ये बुजुर्ग मिस्र से यहाँ पर आए थे और यहीं पर आकर के यहाँ पर आके बस गए, और उन्होंने जो है लोगों में मोहब्बत और एकजहती का जो है पैगाम दिया। और इस दरगाह पर आने पर बहुत सारे जायरीन की जो है मुरादें पूरी होती है दोस्तों। और ये चंद उन पुराने दरगाहों में से है जिसका रिकॉर्ड जो है 750 साल से पुराने मिलता है। शिवाजी महाराज के ज़माने में भी जो है छत्रपति शिवाजी ने भी इस दरगाह को और इस लाल पैगंबर के नाम से जो है इनामात दिए गए थे दोस्तों। और ये सारी चीज़ें जो आज हिस्ट्री में इसके रिकॉर्ड है, और ये दरगाह उन चंद पुराने दरगाहों में से है जो ये बॉम्बे टाउन के नाम से या बॉम्बे के जो है सबर्ब इलाके के नाम से जानी जाती थी मिड टाउन में। और इसका जो है नक्काशी में ब्रिटिश के 1874 में जो है इस दरगाह के साथ गेजेटियर में इसका रिकॉर्ड मिलता है। यहाँ पर हर धर्म के लोग आते हैं, अपनी दुआएं मांगते हैं और अपनी तमन्नाओं को पूरा करके जो है दोस्तों यहाँ से जाते हैं। ये एक सुकून और एक राहत वाली और बेजोल वाली भाईचारे का भाईचारे का एक मकाम है। यहाँ हर धर्म के लोग आते हैं और अपनी अपनी मुराद मांग करके जाते हैं। अभी इनका जो है 788 वहाँ जो है उर्स मनाया जा रहा है, जो आज से शुरू हुआ, आज आगाज जो है मुशायरे से हुआ है, जिसको जो है इस दरगाह के खादिम और ट्रस्टी मरहूम आरिफ अहमद जी, जो यहाँ के म्यूनसिपल काउंसिलर भी थे, सोशल वर्कर भी थे और काफ़ी एक नामी हस्ती थी, अब शायर भी बड़े बड़े पैमाने के रहे हैं, और आपने इस मुशायरे को बस इस गोशे ख्याल को जो है इसकी शुरुआत की, और तकरीबन ये पिछले 40 सालों से इस तरह यहाँ उसका आगाज मुशायरे से होता। आज पहला रोज़ है, अब कल का दिन संदल का होगा, लंगर का, और यहाँ पर जायरीन जो है संदल लाते हैं और हर रोज़ यहाँ पर जो है लंगर बटेगा और 19 तारीख तक जो है ये सिलसिला चलता रहेगा।
तमाम लोग आ सकते हैं, हर जाति के लोग, हर जात के, यहाँ पर किसी के लिए कोई पाबंदी नहीं है, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चन कोई भी जात के लोग आते हैं, बल्कि के हमारे कोली समाज के आगरी लोग यहाँ पर बहुत सारे यहाँ बढ़ा करके जो है अभी शुरू हुआ है, वो लोग अकीदत में यहाँ आएंगे, नारियल फूल और चादर को लेके आते हैं और यहाँ अपने अकीदत में पेश करते हैं। मेरा नाम मोनिस अहमद जी है, मैं इस दरगाह का खादिम हूँ और कई सालों से इसका उरूस चल रहा है। इस बार 788 ईयर्स का उरूस हो गया है और तकरीबन हमारी फैमिली सालों से इनकी खिदमत कर रही है, कम से कम हमारी फैमिली 300 साल से इनकी खिदमत कर रही है। तो आप इनके बाबा जी का घराने से हुआ? नहीं, हम घराने से नहीं है, बट हमारे जो पूर्वज है वो इनके साथ में आए थे और तकरीबन 300 साल से हम इनकी खिदमत कर रहे हैं। कितनी पीढ़ी है इनकी खिदमत के लिए? हमारी कम से कम ये 10वीं पीढ़ी है जो हम इनकी खिदमत कर रहे हैं और हम रहते भी हैं। आप कितने नंबर हो? मैं अभी, हम जैसे मेरे चाचा के दो बड़े बेटे हैं, जैसे पीढ़ी आप? हाँ, हम लोग कम से कम 10वीं पीढ़ी और अभी आज पहला दिन है उरूस का, आज मुशायरा है इंशाल्लाह और 5 दिन तक कल लंगर है, लंगर आम है और उसके बाद दरगाह का खास सत्र है सैटरडे के दिन, तो इंशाल्लाह रात में 12 बजे यहाँ सत्र निकलेगा और दोपहर में बॉम्बे से सत्र आएगा। 4 साल से बॉम्बे से सत्र आ रहा है, गलियों में नाथपाड़े में यहाँ वहाँ से सत्र लेके आके दरगाह और लंगर है और काफी सत्र है, लोग लेकर आते हैं संदल और संदल चढ़ाते हैं, संदल है 14 दिन भी संदल है, लंगर है, सब कुछ है, सब 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 हर दिन कुछ ना कुछ फंक्शन है और लंगर तो हर दिन है और कवाली है। भारती है माझे नाव, मी हर गुरुवार येते इकडे, मला खूप आनंद भेटती, सुकून भेटती मला, जो माझ्या मनाचं जो आहे मी माझ्या बाबाला सांगते, मनुष्याला सांगून काही फरक पडत नाही, मनुष्य काय विचारतो ऐकतो डोळ्यानं कळतो निघून जातो, खरं माझा बाबा कधी निघून नाही जाणार, माझा बाबा हर वक्त आमच्या संगत असणार, हे वाई कसं असते तशी, माझ्या बाबाचा कोटी कोटी धन्यवाद। निकल जाएगा मेरे बाबा पर कभी नहीं जाएगा, हवा से जो किसी निकल के मेरे पास चल, नमस्कार। खूब मजा मना सुकून भेटती मला इथं इतना आल्यानंतर, माझ्या जीवनातलं सर्व काय सगळं सुकून भेटते। मी 25 साल से आती हूँ, वर्ली से आती हूँ, जब मेरा काम हो गया मेरे 10 बजने थे तब उसका दरवाजा को दरवाजा बंद रहेगा तभी मैं, कुछ मन्नत नहीं किया मैंने, नहीं मेरे को जो मेरे दिल में जो गड़बड़ हो जाता है ना इधर आने के बाद मेरे को सुकून मिल जाता है। ऐसे बाबा के ऐसे आपको क्या मिला? आपको ऐसा बहुत कुछ मिला बाबा से, तब बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ मिला, सारा दे दिया मेरे को बम्बई में, मैं गांव की औरत अनाड़ी एक कचरा बेचने वाली, मेरे को बाबा सारा दिया, मेरे को चिराग दिया, औलाद दिया, मेरे बच्चा का शादी शुदी हो गया सुकून से, और क्या मांगू मेरे बाबा, सुखी दुखी रोटी देता उसमें बहुत खुश हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जमीरा अली है, मैं माशाल्लाह हर हफ्ते यहाँ आती हूँ और मेरे ख्याल से तो वो चाहे उरूस हो या कोई भी वक्त हो, हमारी हर मदद के लिए, हमारी मदद में हमारे वलियों के ज़रिए से हमारे अल्लाह ने उनको मतलब एक ज़रिया बनाया है हमारे लिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़मीरा अनीस, मैं काफ़ी टाइम से यहाँ आ रही हूँ और ये तो हमारे वलियों का दरबार है, अल्लाह ने हमारे लिए एक ज़रिया बनाया है, इनके ज़रिए से अल्लाह हमें हर चीज़ से नवाजता है और माशाल्लाह इनके अब्दुलरहमान शाह दरगाह से भी मैं आ रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत यकीदा करती हूँ इस चीज़ पे और अल्लाह ने हमारे लिए इनको यहाँ रखा है
उसके लिए हम यहाँ, और यहाँ पे मैं नहीं, माशाल्लाह काफ़ी औरतें और काफ़ी रिलीजियस की औरतें आती हैं, और वो हमारे लिए मतलब बहुत मायने रखते हैं और हमारी हर चीज़ को पूरा होता है, ये मैंने मानी। इसलिए मैं ये करूँगी कि आप लोग भी आइए एक बार और यहाँ पे अल्लाह के जरिए से दुआ कीजिए। जज़ाक अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं वहीदा, मैं ये बताना चाहती हूँ हमारे शेख मिसरी बाबा का हर साल यहाँ पर उर्स होता है, माशाल्लाह उर्स मुबारक। यहाँ पर हम लोग आते हैं, हम लोग को बहुत सुकून मिलता है, आम दिनों में भी बहुत सुकून मिलता है, उर्स में तो बहुत ही माशाल्लाह हम लोग रोज़ आते हैं। फिर भी ऐसा लगता है और जाना चाहिए, ऐसा दिल नहीं भरता। और इनकी भी माशाल्लाह, ये अंटापुल के हमारे महाराजा है, हमारे गरीब नवाज जैसे, वैसे ये भी सबको मतलब रखते हैं, ये नहीं कि अच्छे बुरे। और माशाल्लाह मैं बहुत सालों से मतलब देख रही हूँ उनको, जब से मेरी शादी होकर यहाँ पर आई हूँ, और इनकी करामत ही बहुत है, तो जानने वाले ही जान सकते हैं इनकी हकीकत को। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शमसिया है, मैं नवसारी से हूँ। एक्चुअली मैं यहाँ बड़ाला में ही रहती थी, मैं शादी करके नवसारी गई हूँ। अक्सर मेरा आना जाना होता है, बट मतलब ये उर्स नहीं मिल पाता, लेकिन आज मुझे पता चला कि आज यहाँ पे उर्स है, तो मैं फटाफट में भाग के आई, क्योंकि यहाँ से मेरा मतलब दिल से अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है। मैं यहाँ पे आती तो बहुत ज़्यादा मुझे सुकून भी मिलता है, अल्लाह के वली हैं यहाँ पे, और अल्लाह पाक ने हमें अल्लाह के वलियों से नवाजा है। तो इस पर मैं एक शेर भी बोलना चाहूँगी, मेरी मुराद मेरे गौसुल वरा मिले, मेरी मुराद मेरे गौसुल वरा मिले, बगदाद से चलूं दरे मुस्तफ़ा मिले। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शमसिया है, मैं यही बड़ाला की रहने वाली हूँ। मैं इस दरगाह पे बहुत पहले से आती हूँ, इसके बारे में यहाँ के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ मतलब खास पता नहीं है, लेकिन बस इतना जानती हूँ कि यहाँ पे आने के बाद बहुत ही सुकून मिलता है और दिल मतलब एकदम दिल एकदम सुकून में आ जाता है। और यहाँ पे मतलब कुछ भी विश अगर आपको लेना है तो फिर उर्स के टाइम पे कुछ भी आप अपने मन में जो भी बोलोगे, मेरे साथ में हुआ है, मेरी जो ख्वाहिश थी ना वो यहाँ से पूरी हुई है। और मेरी शादी क्योंकि मैं गुजरात गई हूँ और वहाँ से माशाल्लाह वहाँ पर मैं बहुत अच्छे से हूँ। इत्तेफाक ऐसा है कि मुझे जाने वाला मेरी जाने की ट्रेन 16 तारीख की है, और इत्तेफाक है कि यहाँ पे उर्स बड़ा संदर्भ है, तो मैं यहाँ पे अटेंड भी कर ली, रातों रात में यहाँ पे आई, अब मैं सुबह या सुबह मतलब चली जाऊंगी। यहाँ पे आने के बाद बहुत सुकून मिलता है, और मैं बहुत पहले से जानती हूँ, अगर यहाँ पे आप इनके मतलब दरबार से आप फैज पाना चाहते हैं ना, तो आप उसके लिए कुछ भी मन में सोचो और एक फूल भी रख दो ना, तो यहाँ पे पूरा हो जाता है। ये मेरे साथ में हुआ, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं जो भी सोचती हूँ यहाँ से मेरा पूरा होता है। जैसे कि मेरी ननद को कैनेडा भेजने का था, उसका वीजा नहीं लग रहा था, मैं यहाँ पे एक फूल ही रखी थी और मैंने रिस्क किया था और यहाँ से पूरा हुआ, इसके लिए मैं यहाँ वापस से आई। यहाँ पे दुआ कबूल होती है, मेरी आयशा बुआ को भी कैनेडा जाना था और अल्हम्दुलिल्लाह वो चली गई है। अल्हम्दुलिल्लाह वो चली गई है, इंशाल्लाह की जल्द से जल्द अच्छी सी जॉब भी लग जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शमसिया है, मैं नवसारी से हूँ। एक्चुअली मैं यहाँ बड़ाला में ही रहती थी, मैं शादी करके नवसारी गई हूँ। अक्सर मेरा आना जाना होता है, बट मतलब ये उर्स नहीं मिल पाता, लेकिन आज मुझे पता चला कि आज यहाँ पे उर्स है, तो मैं फटाफट में भाग के आई, क्योंकि यहाँ से मेरा मतलब दिल से अटैचमेंट बहुत ज़्यादा है। मैं यहाँ पे आती तो बहुत ज़्यादा मुझे सुकून भी मिलता है, अल्लाह के वली हैं यहाँ पे, और अल्लाह पाक ने हमें अल्लाह के वलियों से नवाजा है। तो इस पर मैं एक शेर भी बोलना चाहूँगी, मेरी मुराद मेरे गौसुल वरा मिले, मेरी मुराद मेरे गौसुल वरा मिले, बगदाद से चलूं दरे मुस्तफ़ा मिले। और आप स्टार्टिंग से स्टार्ट से